हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हेलो। कोशिश कर रहे हैं डेली हम व्लॉगिंग कर पाए, बिल्कुल मतलब हम नहीं, मैं नहीं, यही कर रही है क्योंकि मुझे लगता है ये चैनल साक्षी का ही है ना। मेरा ही है, बड़ी बिल्कुल मेरा ही है। और ट्रीट मैं है, मुझे नहीं ही अपने चैनल पे डालने देती ये वीडियो, पर ये वीडियो भी ऐसी बनने वाली है आज जो मैं डाल नहीं सकता। बिल्कुल, अगर आपने डालनी है तो डाल ना लो। ना ना नहीं ना ना, बिल्कुल नहीं नहीं, क्योंकि आज की वीडियो है बैग कलेक्शन ये की। मोस्ट अवेटेड वीडियो है मेरे चैनल की। और एक और वीडियो है जो मैं अभी तक बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए कुछ मेंबर्स की ज़रूरत होती है, तो जो हम कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं उसकी वजह से हु नोज़ मी बेटर वीडियो नहीं बन पा रही। वो मैं बनाऊंगी, जो मुझे कमेंट करते हैं उनको मैं सॉरी फील करती हूँ। तो ये जो वीडियो आज मैं बनाने वाली हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे बोला गया कि खास बनाओ। है और इसमें भी मेंबर ज्यादा ही चाहिए थे, क्योंकि हाँ जिस हिसाब से इतने पर्स खिला रहे थे ना वहां पे, मुझे पता है मैंने कैसे निकाले वहां से, मेरी निकाले ड्यूटी नहीं। इन्होंने है हाँ निकाले हैं कि गिराए हैं, ऐसे करके नीचे फेंकी जा रहे हैं, फेंकी जा रहे। मैं कहा ऐसे नहीं करना। फिर मेकअप की किट्स निकाली जा रहे हैं, वो खाली मुझे पड़ी हुई समझ ना। नहीं आ रहा कि पर्स क्या होता है और किट क्या होती है, मैंने दोनों सेम सेम लग रहे थे यार कहा मुझे। वो नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ बैग्स दिखाने हैं। और मनी सच में बताऊँ, मुझे आज पता लगा कि यार मुझे बैग्स को कलेक्ट करने का शौक है। मुझे वाह, पता ही नहीं था कि मेरे पास इतनी कलेक्शन है। ये मैं ये भी बता दूं, ये प्रिया कश्यप जी का कमेंट आता था बार बार, है ना, कि बैग कि कलेक्शन। बैग तो अब कलेक्शन ज्यादा बातें ना करते हुए मुझे शुरू लगता करें। है कि यहाँ पे बैठ जाना चाहिए। तो अभी साक्षी वीडियो शुरू करें। बिल्कुल, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि ये व्लॉग नहीं बन रहा, साक्षी पर्स बेचने वाली है ना, पूरा ऐसा लगा हुआ, बेच के ये वैसे सच में बताऊँ, मुझे रेट किसी के नहीं याद, कि मतलब एक दो बैग्स के हो सकते हैं मुझे याद दिखाएंगे। हो। ओहो सॉरी सॉरी, पहले ये बैठ जाएं, एक सेकेंड। तो चलो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले ये वाले बैग से। तो ये बैग है अल्डो का। ऐसे मुझे ना बैग्स के ब्रांड कुछ नहीं पता होते थे। अभी भी इतने इतने महंगे बैग्स आते हैं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती यार इतने अब महंगे पढ़नी भी बैग्स नहीं लेने का। बिल्कुल, चाहिए। और मैं लाइफ में मुझे नहीं लगता मैं कभी लूंगी इतने महंगे बैग्स। ये भी अपनी लेवल पे बहुत महंगे हैं, लेकिन वो जो महंगे होते हैं ना लाखों वाले, वो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती। मतलब ये नहीं कि मैं ले नहीं सकती, हाँ पर नहीं मैं पर लेना नहीं चाहती। नहीं मुझे नहीं ऐसे लगता है कि नहीं, वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी का लाइफस्टाइल देखते हो तो उसके लाइफस्टाइल को देख के आप ये मत सोचा करो कि यार हमारी लाइफ क्या बिल्कुल है ना, ये कभी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ को भी तरस रहा है ना, वो उसको लग रहा है यार ऐसी लाइफ मेरी हाँ होती तो बिल्कुल कितना अच्छा होता होता है। अब हो सकता है ये कितने पर्स यहाँ पड़े हुए हैं, इसमें आपको 20 दिख रहे हैं, हो सकता है 10 फेक हो, आपको लगे पता हाँ, नहीं कितने अच्छे फर्स्ट अच्छे कॉपी हैं। हो, फर्स्ट हाँ फर्स्ट कॉपी कॉपी। हो, आप ये सोच हाँ लो कि यार क्या यार, जिंदगी तो साक्षी की है। तो हाँ इसलिए मुझे लगता है ये पर्स पैसे रखने के लिए होते हैं, इसलिए पर्स नहीं लेना कि आपके पास पैसे काफी रखे हैं। क्या यार लाइन बड़ी अच्छी बनी बिल्कुल। यार। पर अभी क्या है कि मार्केट में भी इतने ही महंगे बैग्स आते हैं, जो कॉपीज वाले होते हैं या दूसरे बैग्स होते हैं ना, वो भी इतने महंगे होते हैं जितनी मेरे पास रेंज है। तो हाँ इस वजह से मैं फिर ब्रांडेड ही उतनी रेंज का लेती हूँ जो मुझे हाँ अफोर्डेबल लगे। तो ये बैग मुझे मनी ने गिफ्ट किया था, अच्छा, मुझे और देखो याद नहीं है, देखो। ये पहला बैग था जो आपने मुझे गिफ्ट किया अच्छा, था। इसके बाद तेरी किस्मत खुली ना। बिल्कुल, उसके बाद मैंने फिर सारे ब्रांडेड ही लिए। हाँ तो ये हो गया। तो थैंक यू कहा था फिर तब तूने मुझे, वैसे बिल्कुल, मैंने मुझे मुझे ब्लॉग भी याद नहीं बनाया है। था। तो उसके बाद है ये वाला बैग तो ये बैग नहीं है, ये तिजोरी है, इसका ऐसा लोग है, जो मैं नहीं मुझे लगता है कि खुलाऊंगी। 100 या 200 बार साक्षी मुझे बता चुकी हुई है कैसे खुलता है, पर हर बार मैं भूल जाता और हूं। हमारे घर में कोई भी नहीं है जो मेरा ये बैग खोल सकता हो या खोलने की कोशिश करता हो। ये नहीं कि नहीं आता, वो खोलने की कोशिश ही नहीं करते। नहीं मम्मा भी पता ही नहीं, भूल जाता है कैसे कहते खोलना नहीं, है, मेरे से नहीं खुलता, साक्षी खुद ही खोल दे, इसने बैग मतलब भी। इसको खोलने के बाद हमें मतलब नींबू पानी पीना पड़ता है, इतनी थकावट हो जाती है ये। पर इसकी तारीफ हर किसी ने की है, हर हाँ किसी ने, बिल्कुल, मतलब इंडस्ट्री से लेके हमारी फैमिली रिश्तेदार सब ने बोला है वैसे कि बताऊँ फैमिली और रिश्तेदार सेम बात नहीं होगी? फैमिली फैमिली होती है अच्छा, फैमिली अपनी खास, फैमिली और और रिश्तेदार रिश्तेदार होते वो हैं वाले कुछ ऐसे लोग भी जो थोड़े दूर के होते हैं, लेकिन जो दूर रह के भी तंग करते हैं। मैं वैसे बात करता हूँ। या ऐसे लोग कुछ मनी। जैसे मैं मार्केट में जाती हूँ, किसी शॉप पे गई हूँ, वहां पे मैंने बैग रख के ना अपना जैसे पैसे निकालने लगी हूँ, मुझे नहीं पता, वो नेचुरल चीज होती है कि हाँ मैंने काउंटर पे बैग रखा है, ऐसे खोला और उसमें, हाँ तो सबसे पहले सभी यही बोलते हैं वाह बैग बड़ा अच्छा है आपका। मोस्टली यही हुआ है। मैं अमृतसर ज्वेलर है ना जो हमारे, उन्होंने मुझे बोला, कहते ये टैची नहीं, कहाँ पर से वो लेके आए चक्कर तो हो। नहीं है कि उनको लगता हो कि तेरे हस्बैंड का नाम बैग है, बैग बड़ा हाँ अच्छा आपका। चलो यार, ऐसे तो एक पर्स पे 3 मिनट लगा दिए हाँ हमने। अभी इसके बाद मैंने एक बैग मेरा नीचे रह गया यार। हेलो, ये देखो कहाँ पड़े हुए बैग, ये मैंने ये कल लो। यहाँ रखा था। तो ये मेरा लेटेस्ट वाला बैग है जो मैंने अभी अमृतसर से लिया था, और ये भी मुझे मनी ने गिफ्ट किया था। और मैं मैं को आपको पता ही नहीं, मैं से सोची जा रहा हूँ 3 4 दिन से यार, साक्षी को गिफ्ट नहीं लेके दिया, अब लेके देना चाहिए। और ये वाला भी गिफ्ट था, ये ये भी मेरी मैंने लेके सिस्टर ने आया। दिया था, हाँ ये ईशा ने ईशा, दिया था।
ये भी गिफ्ट, ये भी गिफ्ट और ये भी गिफ्ट, इसका मतलब कि बैग्स लेने की जरूरत नहीं है, गिफ्ट रिश्ते मिलेंगे। ऐसे बनाओ कि आपको गिफ्ट दें। हाँ तो मुझे ये तीनों बैग्स जो महंगे हैं, ब्रांडेड है, ये मुझे गिफ्ट मिले। ये दोनों बैग जो है ना, ये है इंक फाइव ब्रांड के। ये मुझे पूछते हैं लोग कि कौन सा ब्रांड है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इंक फाइव शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो अभी नेक्स्ट बैग ये है मेरा, वाह, अल्डो। अल्डो का। अच्छा ये भी मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ब्रांडेड होता है, महंगे बैग्स होते हैं ये भी। हमें सच्ची में नहीं पता था पापा के बैग है ना, जो आप हाय मानोगे इतने बैग है। उनको क्या होता है कि वो टाइम पास करते हैं असल हम्म। में, जब कहीं जाते हैं ना उनको लगता है मैं फ्री हूँ, कौन कहाँ इधर, ऐसे दुकान में चले जाते हैं शोरूम में, फिर वो बैग ले लेते हैं। वो बैगों की कीमत मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा। हाँ, एयरपोर्ट से पापा लेते थे। मैं हाँ ब्रांड बता देती हूँ आपको, पता जो नहीं कौन कौन दामिलानो से, के मुझे इतना पता अगर वो बैग भेज देते मेरी हार्ले डेविडसन बाइक आ जानी थी यार। तो ये है अल्डो का बैग, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये बैग्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। वैसे जब मैं लेती हूँ ना बैग, तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फिर मैं रख देती हूँ, फिर मुझे होता है कि नहीं अभी नया बैग यूज़ करूँगी, अभी मुझे लगता है इनको रिपीट करने की ज़रूरत है। हाँ तो इसके बाद ये वाला बैग, ये बैग अभी थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन ये बैग बहुत महंगा है। ये मिलाना। है दामिलानो का बैग। ये ब्रांड सुन के ही आपको पता चल गया होगा, ये मुझे पापा ने गिफ्ट किया था। ये जब पापा को शौक आया था ना बैग्स कलेक्ट करने का, तब पापा मेरे लिए और शिखा के लिए, दोनों के लिए बैग लेके आए थे। मेरा ये था और शिखा का रेड कलर का बिल्कुल था। बिल्कुल। आप सब लोगों के कमेंट आते हैं ना कि आपके पापा को देख के ऐसा लगता है कि वो बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं रखते, ये बिल्कुल सही बिल्कुल है। सही। और मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं लड़की बन गया हूँ धरती पे कभी, तो मेरे ससुर सुदेश लहरी जैसे ही हों, मैं भी किसी की बहू बनूँ तो ऐसा परिवार मुझे मिले बिल्कुल। यार, पापा अपने और हर हस्बैंड मुझे ऐसा मिले। रोल में, मतलब कह सकती हूँ रोल ऐसा कि रिश्ते में, अगर चाहे वो ऑन स्क्रीन है चाहे ऑफ हाँ स्क्रीन है, वो अपने हर रिश्ते बिल्कुल। को खूबी से निभाते हैं। इतने अच्छे से उन्होंने सबको मतलब बैलेंस करके रखा हुआ। तो ये वाला बैग मुझे पापा ने गिफ्ट किया था दामिलानो का। तो ये मैंने शायद पहले बोल दिया होगा, लेकिन ये मेरा पहला ब्रांडेड बैग था। साक्षी तू खुलिया कर यार, मेरे को नहीं पता, तेरे को तो याद ही नहीं नहीं है कि नहीं ये पहला पहला पहले था ब्रांडेड, तूने बोला मेरा है। ये आपने अभी लेके दिया ना। इसके बाद मैंने डायरेक्ट, मुझे लगता है कितने सालों के बाद, ये वाला बैग लिया था। तो अभी इसके बाद है ये एस्बेडा का, ये भी एस्बेडा का बैग है। हाँ दो दो इकट्ठे दिखा, हाँ, खत्म कर क्योंकि ये एक ही जल्दी। ब्रांड है ना, ये भी एस्बेडा का, ये भी एस्बेडा का। ये ऐसे नहीं लगता कॉलेज वाले बैग है ना, ये मैंने पहले काफी यूज किए। और ये बैग ना, इसके अंदर भी काफी स्पेस है, ऐसे खोल के ना उई इधर तेरा भी जिप भला है हो जी। और इधर भी जिप है और इधर भी पॉकेट है। और ये बैग मेरा ना ऐसे इतना हो जाता था, मनी अच्छा इतना इतने पैसे सामान, रखते थे आप? पैसे भी, सामान भी, डायरी, पता नहीं क्या क्या अच्छा मेरे। अच्छा ये वो वाला बैग है एक्मिंग क्लेमर जो रखते, जो हाँ, साक्षी को कुछ भी बोलो ना, साक्षी ये चीज चाहिए, साक्षी पर्स में से निकाल देती थी, क्योंकि और सारा जादू की सामान टोकरी नहीं होती, जो मर्जी बोलो, सेब फ्रूट कुछ भी बोलो, सेब और फ्रूट वैसे पता मुझे एक ही होते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। सारा सामान इसमें, मतलब मैं मोस्टली मेरे बैग्स में ही सामान होता है जो मेरे को जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, जो मैं हर टाइम, मुझे कुछ नोट करना तो हाँ डायरी चाहिए, वैसी चीजें रहती रहती हैं। और मुझे इतना पता है कि आप वीडियो में बैग कलेक्शन देखने नहीं आए, आप सिर्फ हमारी बातें सुनने आते हो, तो इसलिए हम बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं। हाँ, और ये बैग जो है, ये ये पेंट बैग करवाया आपने कहीं से बाहर से? ये बैग का कलर एकदम डिफरेंट है। वैसे मैं ऐसे कलर कम यूज करती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी शौक आता है तो फिर मैं ये वाले कलर भी ले लेती हूँ। ये थोड़ा अच्छा अलग सा लगता पर है। अच्छा, ये हाँ, किसने गिफ्ट किया था? नहीं ये मैंने खुद ही लिया था। मुझे लगा गिफ्ट ले पहनना ना एकदम। आई यार नीचे बैठ जाता हूँ मैं थोड़ा सा। और पड़ेगा। साक्षी एक बात, मैं मतलब पंजाब में तो चलो मैंने देखी नहीं है, यहाँ तब हम मॉल वगैरह नहीं थे तब हमें पता नहीं चलता, मैं मुंबई जब आया तो मुंबई में मैंने देखा जो लड़की है वो खाली हाथ चल रही थी, उनके पर्स लड़कों ने पकड़े होते थे, हस्बैंड खास हाँ तौर हाँ पर, हाँ पकड़ते हैं। बहुत प्यार है, बड़ी अच्छी बात है, पर यार इतना भी प्यार ना दिखाया करो कि हमारी बीवी मतलब मेरी बीवी मुझे कहती है कि यार वो देखो वो भी पकड़ रहा है आप भी पकड़ो, वो इसलिए पकड़ता है साक्षी कि उसमें होते हैं पैसे, हाँ, वो पैसे बीवी खर्च ना कराए, अकेली आपका क्या जा मतलब पाए। होता है कि मेरे पर्स में पैसे नहीं होते, तो है सही, ना? मैं चाहता नहीं पैसे होते हैं, मैं चाहता हूँ कि तू शॉपिंग कर जाए। शॉपिंग कर। ये हाँ वाला मैंने लोखंड वाला से लिया था, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये नॉर्मल वाला बैग है। देखा मैंने कहा था ना ऐसे, मतलब कंफर्म होनी चाहिए आपको भी हाँ, चीजें। कि इसमें ये कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कि लुक वाइज तो बहुत अच्छा है। जो चीजें आपको मतलब नॉन ब्रांड लेके चलता है उसको चलाया करो, जरूरी नहीं है कि आप
वेस्ट करना ही करना पैसा कि नहीं यार ये चीज़ तो मैं ब्रांडेड ही लूंगा। कुछ चीजें होती हैं कि हाँ यार वो लेनी पड़ती हैं। अब फालतू बीच बीच में ये बोलते रहे ना हमने फालतू खर्चे कभी नहीं करने, उन्होंने कहना खुद फालतू खर्चे मैं वही बोलने लगी थी। मुझे कमेंट्स हो सकता है ये वाले आ सकते हैं कि यार इतने बैग इकट्ठे क्यों किए हुए हैं, इतने पैसे वेस्ट क्यों किए आपने, इतने बहुत सालों के, हाँ बहुत सालों की मेहनत है, हाँ ये बहुत ये कितने सारे बर्थडे मनाने पड़ते हैं। मेरी चीजें बहुत बहुत कम खराब होती है इस वजह से, मैं ही लगा लो देखो कहीं से आपको खराब लगी संभाल मेरी लाइन तो पूरी करने नहीं दी आपने तो ये भी हो गया। ये नॉन ब्रांडेड है और इसकी रेंज भी ठीक ठीक ही होगी, मुझे याद नहीं है कुछ खास, काफी साल हो गए हैं। और काफी सालों से मतलब ये मत समझना कि शादी को भी काफी साल हो गए, अभी कभी पता चलेगा आपको, वो भी मुझे पता है वीडियो काफी टाइम से पेंडिंग है। बड़े लोगों के मैसेज आते हैं कि वो वीडियो कब बनाओगे, वीडियो कब बनाओगे, कहीं ये ना आप 2 से 3 हो जाओ तब जाके आप वो वीडियो बनाओ कि मैरिज कैसे हुई थी। अब मैं आपको ये चीज बताने लगी थी, जैसे ये ब्रांडेड नहीं है तो इस पे भी नाम नहीं लिखा, और ये ब्रांडेड है इस पे नाम ना यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऐसे हो जाता है ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे नाम लिखा, इतना बारीक कौन पड़ेगा यार। अब ये वाला बैग ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये भी नॉन ब्रांडेड है, मैंने लोखंडवाला से लिया हुआ है, और ये वाला ये मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा हाँ बिल्कुल। अमृतसर में मेरा ऐसा सोफा है पता, ये सोफे का कपड़ा बचा था, इसने पर्स बनवा लिया, सोफा था ऐसा ना, था ना जो हमारा सोफा ड्राइंग रूम में लगा हुआ है ना, उसका फैब्रिक पहले ऐसा था, वो खराब हो गया था तो, और ये सोफे को ऊपर पड़ा होता था ना तब तो पता नहीं चलता था पर्स पड़ा हुआ है। ये यूज कम किया है पर है सही है। नहीं जैसे बोलते हो आपने यूज कम किया है, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि मैंने ये कि पैसे नहीं डाले यहाँ पे, एक दिन ही मैं कहीं लेके गई हूँ ये वाला बैग, नहीं तो दूसरे बैग क्या मेरे महीने महीने में चलाती हूँ उसको। इसके अंदर भी एक पाउच है, ये देखो पोल, पर्स में पर्स, पर्स में पर्स, पर्स के गर्भवर्ष हुआ है। ये वाला लड़कियों को बहुत शौक होता है कि अगर अंदर एक और, यार मैं सच्ची बताऊं ये पर्स वाला शौक से मुझे याद आया, मम्मी की बात सुनाता हूँ। गहने खरीदने जाते हैं जब, गोल्ड वगैरह खरीदने जाते हैं, मतलब गोल्ड की कोई खुशी नहीं कर रहा कि कभी नहीं बताना, ये बताना मनी देख फ्री गोल्ड की दुकान पे गई थी, उन्होंने पर्स फ्री दिया है, पर्स की इतनी खुशी यार, मजा तो तब है गोल्ड के साथ पर्स नहीं, पर्स के साथ गोल्ड फ्री मिले। एक ये बैग है, ये मैंने काफी यूज किया है, इसके हालात देख के आपको पता चल ही रहा होगा, ये ब्रांड है कोड शायद, ये मैंने अभी देखा था तो मुझे पता चला। मैं आपको सच्ची बताऊं, साक्षी पास ही बैठी है, 3-4 के टैग तो अभी उतारे इसने और लिफाफे लगे हुए थे, वो देखो हाँ। वो टेबल पे आपको लिफाफे नजर आ रहे हैं, ये अभी इसने उतारे हैं पर्स में से। ये वो बैग्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत डेडिकेट है, डेडिकेट होता है यार, हम डेडिकेट कहते रहे हैं, डेडिकेट होता है कि किसी को कोई चीज समर्पण कर देना, वो पता है मुझे, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये वाला एसबेडा का है, स्लिंग छोटा सा, जब मुझे लगता है कि कुछ नहीं मुझे रखना ज्यादा, एक कार्ड थोड़े पैसे बस, नहीं तो मुझे बाकी बड़े बैग ही लेके जाना पड़ता है, ये वाला फिर मैं कभी कभी जैसे यूज कर लिया। ये वाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये तो ऐसा लग रहा है किसी को शादी में मिलता नहीं है। हाँ ये ड्रेसेस के साथ ही यूज कर सकते हैं, मैंने मुझे बहुत नीचे होना पड़ रहा है यार, कोई चक्कर नहीं साक्षी, गई हूँ ना मैं, कोई चक्कर नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं ना जी, बोलो। तो ये वाला मैंने जारा से लिया था, तो ये वाला खाली ऐसे ही है, कुछ भी नहीं इसमें, तो इसमें सिर्फ आप पैसे ही रख सकते हो या कार्ड रख सकते हो, तो ये बस इजी टू कैरी। ओए उधर देखो क्या हाल बना पड़ा है, ये बाद में मैंने समेटने है। ये वाला ये बिल्कुल एक ऐसे यूज करने वाला है, ये मैं बहुत कम, ऐसा पर्स मेरे पास एक ही है, तो ये वाला लिया था मैंने मिनी सो से। अच्छा मिनी सो नया नया आया था तब लिया था ये। तीन रह गए बैग खत्म हो इसकी अभी भी यार। ये ब्रांड ना मुझे बहुत पसंद है, फॉरएवर 21, ये मैंने उस ब्रांड का ये बैग लिया था, और ये मैं जब एयरपोर्ट जाती हूँ ना तब मैं मोस्टली यही यूज करती हूँ, क्योंकि ये ऐसे करके यूज हो जाता है और हाथ आपके खाली रहते हैं एकदम, और एयरपोर्ट पे हमने घूमना फिरना होता है और हमारे हैंड बैग भी होते हैं हमारे पास, इस वजह से मैं ये कैरी कर लेती हूँ। तो ये फॉरएवर 21 का है, मैंने आपको पता है मुंबई में सारे ये वाले ब्रांड ना बंद हो गए, बंद हो गए, तो अभी इसको तो अमेज़न वो क्या होता है एक एप्लीकेशन होती है उस पे सेल पे लगा दे तेरी डिमांड बढ़ जानी। नहीं नहीं पर अमृतसर में है ये ब्रांड। अच्छा अमृतसर में, बॉम्बे में, अमृतसर में मुंबई में एक भी नहीं है, जितने यहाँ पे थे और इतना चलता था पता नहीं क्यों बंद कर दिया, वहाँ खुला है अभी तक। ये है क्लच, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साड़ी पहनी हो तभी जैसे। दोस्तों हमें ब्लॉग बनाने का आज फायदा हुआ, वो फायदा पता क्या है, पर्स में से पैसे निकले हैं, ये पुराना देखो छुपा के रखे होंगे साक्षी उस टाइम पे, हेलो गोल्ड भी निकला है, नहीं ये इसका स्लिंग है, अच्छा सेफ्टी पिन में निकला है, इससे पता चलता है ये शादियों में ज्यादा यूज होता है। इसके जैसे एक और था मेरे पास ब्लैक कलर का, वो अमृतसर पड़ा होगा फिर, लो
अमृतसर में पढ़े हुए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको तो यही बोलूंगी नॉट द लीस्ट, ये क्यों? सबसे एक्सपेंसिव बैग है जिसका प्राइस मुझे नहीं पता। आज मेरे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं पता करूं ये कितने का है, मुझे उसके लिए चाहे अपनी बैंक स्टेटमेंट में क्यों ना जाना पड़े, मुझे ये बैग का रेट नहीं पता, लेकिन इसकी अहमियत मुझे थोड़ी देर पहले पता चली। ये ब्रांड है स्टीव मैडन, ये यहाँ पे इन्फिनिटी मॉल में ना, मैंने ब्रांड में बहुत बार गई हूँ लेकिन हर बार मैं खाली हाथ आती हूँ बाहर। ये बैग आप सोचोगे कि फिर ये कैसे ले आए, ये बैग मैं दुबई गए थे ना जब हम हाँ लोग, हाँ हाँ तो मैंने ये बैग वहां से लिया था कि एक होता है ना कि हम दुबई आए हैं तो कुछ शॉपिंग करनी, हम सब ने बैग लिए थे, शिखा के लिए, मम्मा के लिए, मेरा ये बैग, और बाकी सबने भी कुछ ना कुछ शॉपिंग की थी, लेकिन ये बैग मैंने तब लिया था, वहां डिस्काउंट भी चल रहा था, मुझे नहीं पता कितना, कि वो दिरहम्स में थे, दिरहम्स होते हैं अच्छा ना, अच्छा अच्छा दिरहम्स में अच्छा लिखा था ये तो कि उसमें आपको कितने पता ही का, लगा होगा कितने का, आप मुझे लोग उठा लो। कैलकुलेशन ही नहीं आई क्योंकि वो पहला दिन था जब हम गए थे दुबई मॉल, तो वहां से मैंने ये बैग लिया था और मुझे प्राइस नहीं पता कितने का है ये। और अब जाके जब मैं यहाँ जाती हूँ ना, तब मुझे जाके पता चला यार ये तो बैग ही बहुत महंगा होता है, तो ऐसा करते हैं ना, वहां जाके कभी रखाते हैं, सर हमें ये बैग नहीं चाहिए। मतलब इतने इतने बैग होते हैं ना मनी, वो भी मतलब 5-5, 7-7 हज़ार का होता है, तो मुझे लगता है एक ये सेकेंड, इतना तो बैग वहां पर 7 हज़ार का? तो ये मैं बता देता हूँ, 7, 8, ये 4 कोने पकड़ लो तो मतलब 40 हज़ार के कोने। पता नहीं कितने का था, इस पे डिस्काउंट अरे भी था थोड़ा, मुझे नहीं पता कितना था, लेकिन उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि ये ब्रांड भी महंगा होता है और चलो अब इतनी टेंशन ले, सरदर्द नहीं कितने का लेनी है। तूने नहीं इस चीज की, नहीं नहीं पता क्यों मेरी ऑलरेडी होने लगी है। टेंशन नहीं, मुझे ना हो रहा है कि मुझे पता होना चाहिए यार हाँ मेरे पास नहीं, कितना महंगा बैग हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल। कम से कम ये मेरी कलेक्शन में सबसे महंगा होगा मुझे लगता है ऐसा। और ये लास्ट था, मेरा मुंह थक गया है बहुत ज्यादा तो अब। चलो अभी ये ब्लॉग यहीं पे हम करते हैं खत्म, हाँ और लास्ट में जाते जाते साक्षी तुम कुछ कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज या तो मेरे मुंह से ऐसी चीजें ना निकले कि मैं आपको ये दिखाऊंगी, या मेरे से आप ऐसी रिक्वेस्ट मत किया करो, मैं थक गई हूँ ये दिखाते दिखाते, अब मुझे ये वापस रखनी है वहां पे जहां से मैंने निकाले मुझे हैं। नहीं, मुझे क्यों? मुझे इतनी, तू मुझे ही बोलेगी कि वहां रखो? अभी ऐसा कर, हाँ अभी लिफाफे में डाल के एक साइड पे रख दे। तो फिर ये व्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं नई डिमांड क्या रखूंगी। मैं सोच रही हूँ मैं मेकअप कलेक्शन भी दिखाऊंगी अपनी, मेरे पास काफी मेकअप हो गया मुझे चक्कर आने शुरू हो गए अभी से। तो दोस्तों अभी मैं जाते जाते सिर्फ आपको यही कहना कि मनी के चाहूंगा, पास कोई कलेक्शन नहीं है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं भी आपको बताता हूँ जाते जाते ये लोग यहीं पे ख़त्म कर देंगे। मेरे को पापा ने एक पर्स गिफ्ट किया था जब वो पहली बार अमेरिका गए थे। हाँ वॉलेट जी, पर्स इतना था, पर्स था, और वो रखते हुए मुझे बहुत शर्म आई थी। पर्स इतना महंगा था और पॉकेट मनी मेरी थी तब 5 रुपये। मुझे एक दिन के मतलब 5 रुपये मिलते थे, अब महीने के कितने हो गए? 150? 150, 150 रुपया रखता था, पर्स की कीमत मैं आपको बता ही नहीं सकता। बट तो 150 कहाँ रखते होगे, वो पर्स के वो तो अंदर रोज के आपको 5 मिलते थे ना, 5 आप खर्च भी लेते होगे, मैं पर्स मुझे लगता है अगर खाली मिलता अपनी होगा। बेइज्जती खुद कर रहा हूं, तू कौन होती मेरी बेइज्जती करने वाली यार? मतलब खुद बेइज्जती करो उसका इतना मजा नहीं, जब दूसरा करता है ना तो ज्यादा फील हाँ, होती तो है। अब ये बेइज्जती मेरी नहीं हो रही तुझे पता है, अब ये बेइज्जती किसी और की हो रही है, किसकी? क्योंकि ये पर्स मैंने कर दिया है सुमित को गिफ्ट, अब वो रो रहा है 20 रुपये रख के रोज। तो चलो दोस्तों, कमेंट करके बताना कि मेरी कलेक्शन आपको कैसी लगी और कौन सा बैग आपको सबसे सुंदर लगा, ये मुझे प्लीज बताना, और नेक्स्ट मैं वही यूज करूंगी थोड़ी देर के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, चैनल सब्सक्राइब करके जाना।